नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ गीतिका पांडे। टुडे हिमाचल की पूरी टीम की तरफ से हिमाचल प्रदेश के सभी वासियों को और हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों को विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल 2022 आपके जीवन में खुशियों की ढेर सारी सौगात लेकर आए, सारी परेशानियों को खत्म कर दे और दुनिया से कोरोना वायरस का खात्मा हो, इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ खास खबरें। हिमाचल में बढ़ते मामलों ने बढ़ाई टेंशन, शतक के करीब पहुंचा कोरोना। हिमाचल में हर रोज बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने टेंशन बढ़ानी शुरू कर दी है। शुक्रवार को कोरोना के 84 नए मामले सामने आए, तो वहीं कांगड़ा के 94 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। इसके अलावा 49 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो 466 लोग कोरोना संक्रमित हैं। बिलासपुर में 53, सबसे ज्यादा कांगड़ा में 158, चंबा में 2, हमीरपुर में 38, किन्नौर में 2, कुल्लू में 14, लाहौल स्पीति में 0, मंडी में 24, शिमला में 67, सिरमौर में 18, सोलन में 53 और ऊना में 37 एक्टिव केस हैं। कोरोना काल से लेकर अभी तक प्रदेश में 40 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। इसमें करीब 38 लाख लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, जबकि 2.25 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं अब तक 3,869 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसके अलावा 2.25 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। राशन कार्ड उपभोक्ताओं को 10 रुपए तक सस्ता मिलेगा रिफाइंड तेल, 19 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को राशन डिपुओं में रिफाइंड तेल 10 रुपए तक सस्ता मिलेगा। आया शुल्क में 5% कमी आने से सूबे के 19 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। खाद्य आपूर्ति निगम जनवरी के पहले सप्ताह में तेल के टेंडर आमंत्रित करने जा रहा है। वर्तमान उपभोक्ताओं को डिपो में 137 रुपए प्रति लीटर तेल मिल रहा है। अब ये रेट 125 रुपए तक के करीब आने की संभावना है। राशन कार्ड उपभोक्ताओं को डिपुओं में आटा चावल के अलावा 3 किलो दालें, 2 लीटर तेल, चीनी और नमक सब्सिडी पर दिया जा रहा है। प्रदेश का पहला वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट शिमला में खुला, घर बैठे भर सकेंगे चालान। शिमला में गुरुवार को जिला और सत्र न्यायालय चक्कर में प्रदेश के पहले वर्चुअल ट्रैफिक कोर्ट का उद्घाटन हुआ। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक ने न्यायाधीश सबीना, न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान, न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर, न्यायाधीश अजय मोहन गोयल, न्यायाधीश संदीप शर्मा, न्यायाधीश चंद्रभूषण बारोवालिया, न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ, न्यायाधीश सत्येन वैद्य और रजिस्ट्रार जनरल वीरेंद्र सिंह की मौजूदगी में ट्रैफिक मजिस्ट्रेट के वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किया। 3,57,450 विद्यार्थियों को 2,797 स्कूल्स में लगेगी कोविड वैक्सीन। हिमाचल प्रदेश में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 9वीं से 12वीं कक्षा के 3,57,450 विद्यार्थियों को कोरोना की वैक्सीन लगेगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये वैक्सीन 3 जनवरी से लगेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्णय के अनुसार इन्हें 2,797 राजकीय पाठशालाओं में ये टीके लगेंगे। इस आयु वर्ग के लाभार्थियों को कोवैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा इस आयु वर्ग के अन्य बच्चों को पंचायत स्तर पर वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने वीरवार को इसको लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि कोविड के दोनों टीके लगवा चुके स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के 96,200 पात्र आबादी को 10 जनवरी 2022 से कोविड टीके की एहतियातन बूस्टर डोज दी जाएगी। हिमाचल में नए साल में लग सकती है कोरोना बंदिशे, जाने क्या बोले सीएम जयराम। हिमाचल में बढ़ रहे कोरोना मामले और लोगों का बेखौफ यहां वहां घूमना कहीं न कहीं कोरोना बंदिशों के संकेत दे रहा है। हिमाचल में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने पर कोरोना बंदिशें लगाई जा सकती हैं। ये हम नहीं बल्कि प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा। शुक्रवार को सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर हिमाचल में ओमिक्रॉन के मामले बढ़े तो कोरोना बंदिशें लगाई जा सकती हैं। पुलिस का एक और कारनामा, 1 किलोमीटर नहीं चली बाइक, 100 किलोमीटर दूर चालान। हिमाचल पुलिस किसी न किसी मामले में हमेशा सुर्खियों में रहती है। आपको याद ही होगा कि कुछ समय पूर्व घर के बाहर खड़ी एक स्कूटी का चालान पुलिस ने किया था। ऐसा ही एक मामला फिर से देखने को मिला। यहाँ एक बाइक सोलन में खड़ी थी और पुलिस ने नाहन में उस बाइक का चालान कर दिया। मामला सोलन के धरोज का है। यहाँ 28 दिसंबर से घर से बाहर खड़ी HP 14C5527 का नाहन पुलिस ने चालान कर दिया। बाइक पर चालान होने का मैसेज जब बाइक मालिक के पास पहुंचा तो वो हैरान रह गया। इस जिले में विदेशों से आए 774 लोग स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर।
पड़ोसी राज्यों और देश में बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। केंद्र सरकार से मिल रही गाइडलाइन के अनुसार महकमे ने काम करना शुरू कर दिया। आपको बताते चले कि विदेशों से 774 लोग कांगड़ा आ चुके हैं। ऐसे सभी लोगों पर स्वास्थ्य विभाग की पैनी नजर है। जो भी लोग विदेश से आ रहे हैं और जिनके टेस्ट करवाने की जरूरत है उनके टेस्ट करवाए जा रहे हैं। 5 राज्यों में चुनाव के बाद हिमाचल में मंत्रिमंडल फेरबदल संभव। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव के बाद हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव है। इसके अलावा संगठनात्मक स्तर पर भी बदलाव हो सकता है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि इस समय हाईकमान का ध्यान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब व गोवा सहित 5 राज्यों के चुनाव पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल से विशेष लगाव है। इसी तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हिमाचल प्रदेश से हैं। आईटीआई होल्डर के यहां मिलेगा सजेगा रोजगार मेला, होंगे कैंपस साक्षात्कार। हिमाचल के सबसे बड़े औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में देश की नामी कंपनी सुजुकी मोटर गुजरात ने प्रशिक्षित बेरोजगार आईटीआई डिप्लोमा होल्डर युवकों को रोजगार का अवसर प्रदान करने जा रही है। ये जानकारी देते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर के प्रधानाचार्य ई संजीव सहोत्रा ने बताया कि आगामी 4 जनवरी 2022 को होने वाले इस कैंपस साक्षात्कार में देश की जानी मानी कंपनी सुजुकी मोटर प्राइवेट लिमिटेड HRVS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से अपनी दस्तक दे रही है, जिससे हमारे प्रदेश के 18 से 23 वर्षीय बेरोजगार युवक जिन्होंने फिटर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक व्हीकल, टर्नर मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, टूल एंड डाई मेकर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर COE, ट्रैक्टर मैकेनिक और पेंटर व्यवसायों में आईटीआई से प्रशिक्षण ग्रहण किया है को अच्छी कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा। हिमाचल में दर्दनाक सड़क हादसा, बस बाइक भिड़ंत में 2 युवकों की गई जान। हिमाचल के सिरमौर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा सिरमौर जिले के संगडा उपमंडल में हरिपुर धार रोनहाट मार्ग पर रनवा मोड़ के समीप पेश आया। यहां एक निजी बस व बाइक के बीच जोरदार टक्कर हुई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। हिमाचल में महंगे नहीं होंगे कपड़े, नए साल से GST की नई दरों पर फैसला टला। हिमाचल में अब कपड़े महंगे नहीं होंगे। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST की बैठक हुई। इस बैठक में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने हिस्सा लिया। इस बैठक में फैसला लिया गया कि GST की दरों में अब नए साल से बदलाव नहीं होगा। चौतरफा दबाव की वजह से इस निर्णय को GST काउंसिल ने फिलहाल टाल दिया है। अब ये मामला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के पास जाएगा और पूरी जाँच के बाद ही इसे पारित किया जा सकता है। जयराम सरकार ने बदले 10 प्रशासनिक अधिकारी, जानिए किसे कहां भेजा। हिमाचल सरकार ने शुक्रवार को 10 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले और तैनाती के आदेश जारी कर दिए। यहां आदेश सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशों पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने जारी किए हैं। हिमाचल में यहां पूर्व प्रधानाचार्य पर गिरी निलंबन की गाज, जाने क्यों हुई कार्रवाई। हिमाचल में शिक्षा विभाग ने पूर्व प्रधानाचार्य को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। शिक्षा विभाग द्वारा बिठाई गई जांच में पूर्व प्रधानाचार्य द्वारा खरीदी गई सामग्री में अनियमितताएं पाए जाने के बाद ये निर्णय लिया गया। प्रधानाचार्य पर स्कूल का सामान खरीदने में धांधली के आरोप लगे थे, जिसके चलते पूर्व प्रधानाचार्य पर निलंबन की गाज गिरी। शिक्षा विभाग ने इस पूर्व प्रधानाचार्य को आगामी आदेशों तक निदेशालय में ही अपनी हाजिरी लगाने के आदेश दिए हैं। बता दें कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला महारल को उत्कृष्ट का दर्जा मिलने के बाद सरकार ने 44 लाख रुपए की राशि विभिन्न गतिविधियों के सामान की खरीद के लिए दी थी, जिसके बाद पूर्व प्रधानाचार्य ने इन पैसों से सामान की खरीद भी कर ली। लेकिन इसी बीच स्कूल के ही एक अध्यापक ने प्रधानाचार्य पर इस पैसे में धांधली के आरोप लगाए थे, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने पूर्व प्रधानाचार्य के खिलाफ जांच बिठाई। उच्च शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर की जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर सामान खरीद में अनियमितताएं पाई गईं। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।